शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, देश को राम राज्य की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ये गोलबंदी है, इससे दूसरे कुछ लोगों के खिलाफ माहौल बनेगा, हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की आवश्यकता है जिसमें किसी खास धर्म को विशेष अधिकार नहीं बल्कि सब धर्म के लोगों का कल्याण हो, विकास हो, हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुओं की गोलबंदी होगी। समस्या क्या होती है कि हम लोगों के यहाँ राजनीति है और राजनीति में गोलबंदी, मतलब गोलबंदी ही राजनीति है, बीच में लाइन खींच दी जाती है और हमारी गोल में है कि नहीं है यही देखा जाता है कि ये व्यक्ति हमारी गोल में है कि नहीं है। हमारी गोल में है तो बिल्कुल अच्छा है चाहे कैसा भी हो, और अगर हमारी गोल में नहीं है तो बहुत ख़राब है चाहे कैसा भी हो। ये एक व्यवहार का तरीका हम लोगों ने बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो, राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया है, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया है, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात, आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है, इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं होगा उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिहर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।